हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन यमुना तीरावन चारी, जय राधा बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के पांचवें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने सुना था जब गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि के भाव को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के परम भक्त हैं, और गदाधर पंडित ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहा, और उन्होंने मुकुंद को अपने मन की बात बताई। मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि को बताया कि ये जो गदाधर पंडित हैं, ये आपको समझ नहीं पाए थे, ये अब उस अपराध की क्षमा प्रार्थना के लिए आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए इन्हें आप मंत्र दीक्षा, इनके मन की इच्छा है कि आप इन्हें मंत्र दीक्षा दें।
कृपया कोई मंगल दिन चुनिए और इनको इनिशिएट कीजिए आपके वर्शिपेबल लॉर्ड के मंत्र में, इनको दीक्षित कीजिए। ये सब सुन के पुंडरीक विद्यानिधि स्माइल करने लगे, बोला मैंने विधाता के इच्छा से मैंने आज एक मूल्यवान मणि प्राप्त कर ली है, मैं जरूर इनको इनिशिएट करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत से जन्मों के कर्म फलों से कोई व्यक्ति ऐसा डिसाइपल पाता। आगे बोलते, ये आई से शुक्ल प्रकाशेर द्वादशी सर्व शुभ लग्न इति मिले बेकाशी। तो पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं, जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के अगले दिन, जो अगली द्वादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, उसमें मैं इनको दीक्षा दूंगा। किसको? गदाधर पंडित को। हर दिन 12 लग्न होते हैं एक के बाद एक, इसलिए सर्व शुभ लग्न चुन के, जो सबसे शुभ लग्न है उसको चुन के मैं इनको दीक्षा दूंगा। यहाँ ते संकल्प सिद्धि हाय बे तो मान सुनी गदाधर हर्षे हैले नमस्कार। आपकी इच्छा पूरी होगी इस दिन। ये श्रवण करके गदाधर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको दंडवत प्रणाम किया। से दिन मुकुंदा संगे हैया विद्याय आइले न गदाधर यथा गौर राय। उस दिन मुकुंद की, मुकुंद से परमिशन लेके गदाधर महाप्रभु के पास गए। विद्यानिधि आगमन सुनि विशंभर अनंत हरिषे प्रभु हैला अनंत। गुरांग महाप्रभु असीमित रूप से प्रसन्न हुए विद्यानिधि को देख। विद्यानिधि महाशय अकलक्षिता रूपे रात्रि करी आई लेना प्रभुर समीपे। एक रात्रि जो है विद्यानिधि महाशय जो है सीक्रेटली महाप्रभु से मिलने आए। सर्व संग छाड़ी एक ऐश्वर्य मात्र है प्रभु देखी मात्र पाई लेना मूर्छा है। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और पुंडरीक विद्यानिधि अकेले भगवान से मिलने आए। जैसे उन्होंने भगवान को देखा वो मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान कौन? निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु को देख। दंडवत प्रभु रे ना पारी ले करी ते आनंदे मूर्छिता है या पड़ी ले भूमि ते। आनंद के कारण मूर्छित हो गए, ग्राउंड पे जमीन पे भूमि पे गिर पड़े। दंडवत प्रणाम करने के पहले गिर पड़े। क्षण के चैतन्य पाई करीला हूं कारे कांदे पुनः पाना के करिया धिकारे। थोड़ी देर बाद उन्हें भाई चेतना आई। पुण्य विद्यानी को बहुत जोर जोर से गर्जना करने लगे। फिर रोने लगे और अपने आप को धिकारने लगे। कृष्ण रे पारण मोर बाप
मुनि अप राधे रे कते के देहता। ओ कृष्ण, ओ मेरे प्राणधन, ओ कृष्ण, ओ मेरे बालक, आप कितना कष्ट दे रहे हैं इस अपराधी को। पंडित विद्यानिधि बालक भी बोल रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि पंडित विद्यानिधि पूरी जन्म पूरी लीला में, कृष्ण लीला में वो वर्ष भानु थे, तो इसलिए बोल कृष्ण और मेरे प्राण के धन, और कृष्ण और मेरे बालक, आप कितना कष्ट दे रहे हैं इस अपराधी को। सर्व जग तेरे बाप उद्धार करी ला सबे, मात्र मोर तुम्हें एक गले वंचिल। मेरे बालक, आपने पूरे जगत का उद्धार किया है, लेकिन मैंने आपको चीट किया, मैंने आपके साथ धोखा किया। विद्या ने दी है ना कौन वैष्णव नाची ने, सभी कांदे ना मात्र ताहर है क्रंदने। ऐसा कोई वैष्णव नहीं था जो विद्या निधि की उस पोजीशन को नहीं जानता था, स्थिति की, कितने बड़े भगवान के भक्त। जब वो रोने लगे जोर जोर से, तो सभी लोग रोने लगे। निज प्रिय आत्मजानी श्री भक्त वत्सल, संभ्रमे उठिया कोले कैला विशंभर। ये जानते हुए कि उनके बहुत प्रिय भक्त आए, जो महाप्रभु थे, जो अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, बड़े सम्मान के साथ में उठे और उनको गले लगाया। उन्होंने गले लगाया। पुंडरी का बाप बोली कांदे ना ईश्वर, बाप देखी लामा अजी नयन गोचर। महाप्रभु रोने लगे और आश्चर्य करने लगे, ओ पिता पुंडरिक, आज मैंने अपनी आंखों से अपने पिता को देख लिया। महाप्रभु बोल रहे, क्योंकि महाप्रभु पूर्व जन्म में कृष्ण की लीला में कृष्ण स्वयं कृष्ण थे, और स्वयं कृष्ण हैं भी अभी अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन जो पुंडरिक धनी थे पूर्व जन्म में, उनके पिता फादर इन लॉ थे, उनके ससुर थे ऋषि भानु। ताखाने से जानी लेना सर्व भक्त गण, विद्या निधि गोसाई रे हैले आगमन। उस समय सारे भक्तों को पता लगा विद्या निधि गोसाई के आने का। ताखाने से हैला सब वैष्णव रोदन, परम अद्भुत तहा ना जाए वर्णन। तब सारे वैष्णव रोने लगे। वो दृश्य बहुत अद्भुत था और शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। विद्या निधि वक्ष करी श्री गौर सुंदर, प्रेम जले सींचे लेना तारे कलेवर। गौर सुंदर जो है ने विद्या निधि को अपने गले लगा लिया और उनके पूरे शरीर को आंसुओं से भिगा दिया। प्रियतम प्रभुर जानिए भक्त गाने, प्रीत भय आपता सवार है लाता। सारे भक्त समझ गए कि वे भगवान को बहुत प्रिय है। सारे भक्त समझ गए कि पंडित विद्यानिधि भगवान को बहुत प्रिय है। उन्होंने उनके प्रति प्रेम सम्मान और प्रेम सम्मान और अपनी अंतरंगता बताई पुंडरीक विद्यानिधि के लिए। वक्ष है ते विद्यानिधि, वक्ष है ते विद्यानिधि, ना छाड़े ईश्वर लीना है लाजे ने प्रभु ताहर है शरीर। विद्या निधि ने भगवान को अपने जो गले लगाया था छोड़ा नहीं,
ऐसा लग रहा था कि भगवान उनकी विद्यानिधि के शरीर में ही विलीन हो गए, ऐसा लगने लगा लोगों को। विद्यानिधि ने इतनी जोर से पकड़ लिया महाप्रभु को। प्रचारे प्रहरे का गौर चंद्र आछे न निश्चले, तबे प्रभु बाह्य पाई डाकी हरी बोले। गौरचंद्र महाप्रभु 3 घंटे तक मोशन के रहित रहे, मतलब कोई उनमें गति नहीं दिख रही थी, गति रही 3 घंटे तक ऐसे मूर्ति की तरह रहे। इसके बाद कैसे पुण्य की दानी से मिलने के बाद, उसके बाद भगवान ने बाह्य चेतना प्राप्त की और हरि का नाम जप किया। आजी कृष्ण वांछा सिद्धि करीला अमार, आजी पाए लाना सर्व मनोरथ पार। आज भगवान कृष्ण ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। और आज मैंने वो प्राप्त कर लिया जो मेरे सपने से ऊपर है। सकल वैष्णव संगे करीला मिलन, पुंडरी के लाए सबे करे न कीर्तन। सारे वैष्णव का परिचय करने के बाद में पुंडरीक ने उनके कीर्तन में ज्वाइन किया। इन्हारा पदवी पुंडरीक विद्यानिधि, प्रेम भक्ति बिलाई ते गदी लेना विधि। सबको परिचय कराया कि इनका नाम पुंडरीक विद्यानिधि है, विधाता ने इन्हें भगवान के प्रेम को वितरित करने के लिए बनाया। ऐ मत तारा गुण वर्णीय वर्णीय छैश्वरे हरि बोले श्री भुज तुलिया। इस प्रकार की क्वालिटी के गुणगान करते हुए महाप्रभु ने अपने हाथ उठाए और जोर से हरि हरि बोला। प्रभु बोले आजी शुभ प्रभात आमार, आजी महा मंगल से वासी अपना। भगवान ने कहा, महाप्रभु कहते हैं आज मेरा सुबह जो बहुत मंगलमय है, ये महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि से मिलके, आज मुझे सब कुछ मंगलमय दिख रहा है। निद्रा है ते आजी उठी लामा शुभ क्षणे, देखी लामा प्रेमानिधि साक्षात नयने। महाप्रभु कहते हैं इस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने के बाद कहते हैं, इस प्रकार से महाप्रभु भी पुंडरीक विद्यानिधि से मिलके बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं सब वैष्णव से कहते हैं कि आज मैं बहुत ही शुभ क्षण में मैं उठा हूं और मैंने प्रेम निधि को अपनी आंखों से देखा है। श्री प्रेमा निधेर आसी हाइले बाहे ज्ञान, ताखाने से प्रभु चिनी करीला प्रणाम। उसके बाद श्री प्रेम निधि जो है, पुंडरीक विद्यानिधि जो है, उनका नाम दिया है यहाँ पे महाप्रभु ने, प्रेम निधि दिया है। प्रेम निधि अपनी बाहरी चेतना में आए और भगवान को पहचान के फिर से दंडवत प्रणाम करें। ये भगवान और पुंडरीक विद्यानिधि की भेंट थी। अद्वैत देवेर आगे करी नमस्कार, यथा योग्य प्रेम भक्ति करीला सबार। इसके बाद पुंडरीक विद्यानिधि ने अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और उनको उनके प्रेम के साथ में उनसे भक्ति का आदान प्रदान किया सभी के साथ में। परानंद है लेना सर्व भक्त गणे, है ना प्रेमा निधि पुंडरी का दर्शन। सारे जो लोग थे उन्होंने देखा कि
महाप्रभु से किस प्रकार मिल रहे हैं, महाप्रभु के कितने करीब भक्त हैं, कितने प्रिय भक्त हैं, इसलिए सभी ने उनको प्रणाम किया भक्ति के साथ में पुण्य नदी को, क्योंकि पुण्डरीक पिंडा निधि का नाम दिया यहाँ पे प्रेमा निधि, मतलब प्रेम का सागर। शनि के जय हैले प्रेम भक्ति आविर्भाव तहां वर निभारा पत्र व्यास महाभाग। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर तो स्वयं व्यासदेव के अवतार है, जिन व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की उन्हीं के अवतार हैं वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी। तो यहाँ पे जो वृंदावन ठाकुर है वो स्वयं बोल रहे हैं कि उस समय जो भक्ति प्रकट हुई भगवान के प्रति महाप्रभु के और पुंडरीक विद्यानिधि के बाद जो प्रेम प्रकट हुआ उसको खाली व्यासदेव ही वर्णन कर सकते, मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। हालांकि वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यासदेव के अवतार है, तो वो इसके लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार का प्रेम था कि कृष्ण द्वैपायन व्यास देवी वही केवल दक्ष हैं, वही इस लीला को कृष्ण जो अपने भक्तों के साथ लीला करें उसको लिखने में वही दक्ष है। यहाँ पे कृष्ण मतलब है महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में, स्पेशली जो पुण्डरीक विद्यानिधि उसके साथ जो प्रेम प्रदर्शित करें उसको केवल व्यास देवी जी ही लिखने में सक्षम है। इसलिए वृंदावन ठाकुर अपने आप को अपनी शिक्षा को कम बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं मैं लिखने के योग्य नहीं, इतना प्रेम प्रदर्शित हो रहा था, मैं इस लायक नहीं कि मैं इस लिख लिखूं। केवल व्यास देवी जी जो है जिन्होंने इस श्रीमद् भागवतम को लिख के इस जगत में उनकी महिमा को प्रकट किया है वही लिख सकते हैं इस वर्णन को। गदाधर आज्ञा मांगी लेने प्रभु स्थाने, पुंडरी का मुख्य मात्र ग्रह ने कारण। तब जो है गदाधर ने भगवान की परमिशन मांगी, गदाधर ने भगवान से परमिशन मांगी कि मुझे कृपया आज्ञा दीजिए कि मैं इनसे दीक्षा लूं। इससे पहले हमने देखा कि गदाधर पंडित कि पंडित विद्यानिधि से मुलाकात हुई थी। गदाधर पंडित शुरू में तो समझे थे कि पंडित विद्यानिधि बहुत बड़े भौतिकतावादी, क्योंकि बहुत ऐश्वर्य में रह रहे थे तो बाहरी रूप से ऐश्वर्य में दिखाई देते थे, लेकिन जब उन्होंने आंतरिक रूप से देखा उनके वो श्लोक जो था भागवतम का अहो बकी इस तरह कालकूटम, उसको सुना उसके साथ वो जमीन पर लौट गया। किस तरह से उन्होंने भगवान के अष्ट सात्विक विकार का प्रदर्शन किया उससे गदाधर पंडित को वास्तव में लगा कि उन्होंने गलती की, उसके पहचानने में गलती की। बाद में उन्होंने क्षमा प्रार्थना के लिए बोला कि मैं आपसे दीक्षा लूंगा। वही अभी ये निश्चय हो गया कि दीक्षा लेंगे अगली द्वादशी के दिन, लेकिन गदाधर पंडित ने भी उचित समझा कि महाप्रभु को भी सूचित किया जाए कि वो गदाधर पंडित जो है वो पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेंगे। महाप्रभु को सूचित किया गदाधर पंडित ने, ना जानिए वहन आगम्य व्यवहार चित्ते अवज्ञा हैया छेले आमान। इसके बाद गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को ये भी बताते हैं कि मैं उनको पहचान नहीं पाया था शुरू में, इसलिए मुझसे कुछ अपराध हुआ था उनको पहचानने में, पंडित विद्यानिधि को जो आपके भक्तन को पहचानने में। ये तक कि वहाना अमी हई बान शिष्य अपराधा गुरु क्षमी में अवश्य, इसलिए मैंने इच्छा की कि मैं उनका शिष्य बन जाता हूँ, इससे मेरा अपराध हमेशा के लिए क्षमा हो जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर जो है आध्यात्मिक गुरु है वो अपने शिष्य का अपराध, अगर शिष्य उनकी शरण में आया तो अपराध अवश्य क्षमा कर देता है। गदाधरे वाक्य प्रभु संतोषे हैला शीघ्र करे बलिता लागीला। महाप्रभु जो है
संतुष्ट हुए गदाधर पंडित के शब्दों को सुनके और बोले, जल्दी करो, जल्दी करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, मतलब शीघ्र दीक्षा लो। महाप्रभु ने उनको परमिशन दे दिया गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेने के लिए। तभी गदाधर देव प्रेमानिधि स्थाने मंत्र दीक्षा करी लेना संतोष है आपने। उसके बाद गदाधर पंडित ने जाके प्रेमानिधि, वही पुंडरीक विद्यानिधि का दूसरा नाम है प्रेमानिधि, प्रेम के सागर है, प्रेमानिधि से पूर्ण संतुष्टि के साथ में दीक्षा लिया कि कही बार पुंडरीक महिमा गए दाधर शिष्य जार भक्ति रसई दाधर शिष्य जार भक्ति रसई सीमा। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि मैं इससे ज्यादा पंडित विद्यानिधि की महिमा का क्या वर्णन कर सकता हूं, जिनका गदाधर पंडित जैसा शिष्य बन गया, वो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, परम भक्त हैं महाप्रभु के। कौन? पंडित विद्यानिधि। गदाधर पंडित ने उनको अपना गुरु बनाया। वास्तव में जैसा हम पहले सुन चुके हैं, पंडित विद्यानिधि कौन है? ये पूर्ण कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता वृषभानु है, वही पुंडरीक विद्यानिधि बन के आए महाप्रभु की लीला में। कही लेना किछु विद्या निधिर आख्यान एई मोर कमयन देखा पान तान। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, इस प्रकार से मैंने कुछ विषय बताए पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं कि मैं किसी दिन, मुझे भी ऐसा अवसर मिले कि मैं उनको, उनका दर्शन कर पाऊं। ये जो पुस्तक लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, वो प्रार्थना कर रहे हैं पंडित विद्यानिधि के इस प्रशंसा को, इतनी महिमा को सुन के। योग्य गुरु शिष्य पंडरी का गदाधर दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। पंडित विद्यानिधि और गदाधर आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य, दोनों ही कृष्ण चैतन्य या महाप्रभु को प्रिय हैं दोनों ही। पुंडरीक गदाधर दुईरा मिलन जे पद जे सुने तारे मिले परम धन। जो कोई भी पुंडरीक विद्यानिधि का और गदाधर के इस मिलन को, इस मिलन की लीला को श्रवण करता है, वो भी भगवत प्रेम का धन प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्ता नंद चांद जान वृंदावन दासता हो वृंदावन दासता छो पद युग गान। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मेरा प्राण धन मान के मैं वृंदावन दास ठाकुर भगवान के, दोनों भगवान के इन चरण कमलों की महिमा गाता हूं। इस तरह से ये अध्याय जो है, जिसमें पुंडरीक विद्यानिधि और महाप्रभु की भेंट हुई थी, उसका वर्णन करता है। इसके पश्चात महाप्रभु की अगली लीला का अब हम श्रवण करते हैं। आठवें अध्याय में उनके, महाप्रभु के ऐश्वर्य, वो अपना ऐश्वर्य कैसे प्रदर्शित करते हैं। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण जय नित्यानंद अद्वैत तेरे प्रेम धाम। मैं गौर सुंदर की महिमा गाता हूं जो सबके प्राण धन है। मैं नित्यानंद प्रभु और अद्वैत, नित्यानंद प्रभु के धाम और अद्वैत के प्रेम जो है गौर सुंदर, उनको, उनकी महिमा गाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन जय पुंडरीक विद्या निधि प्राण धन। मैं उन गौर सुंदर की महिमा गाता हूं जो जगदानंद, श्री जगदानंद और श्री गर्भ के प्राण है वो महाप्रभु। मैं उन महाप्रभु की महिमा गाता हूं जो पुंडरीक विद्यानिधि के प्राण और धन है। जय 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 जगदीश गोपी नाथेर ईश्वर जय जय हुक्त यत गौर चंद्र अनुचर। मैं उन भगवान, उन महाप्रभु की महिमा गाता हूँ जो जगदीश और गोपीनाथ, ये दोनों पार्षद हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं,
जो जगदीश और गोपीनाथ के प्राणधन है, इसे महाप्रभु के एसोसिएट्स पार्षदों के नाम है, उनके साथ उनके सहचरों के नाम है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग गौर सुंदर की महिमा गाएं इसी प्रकार से। हे नमते नवदीपे श्री गौरांग राय नित्यानंद संगे रंगे करे सदाए, इस प्रकार से गौरांग राय लगातार आनंद प्राप्त कर रहे हैं नवदीप में नित्यानंद प्रभु के साथ में और दूसरे पार्षदों के साथ में मिलके। अद्वैत लय सर्व वैष्णव मंडल महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। सारे जो डिवोटी थे, सारे भक्त अद्वैत आचार्य के साथ बड़े उत्साही मूड में डांस करने लगे, जोर जोर से कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगे। नित्यानंद रही लेना श्रीवासिर घरे निरंतर बल्य भव आनन नहीं स्फूरे। नित्यानंद कई दिनों तक श्रीवास पंडित के आंगन में घर में रहे, इस प्रकार से वो हमेशा नित्यानंद प्रभु बच्चे के मूड में रहते थे। नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, उनको पता नहीं था वो क्या पहनते क्या खाते हैं, वो अवधूत क्योंकि उनका बालक जैसा मूड था पूरा, और उसके अलावा उनका कोई दूसरा मूड उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया जब तक श्रीवास पंडित के घर में रहे। यंग चाइल्ड जैसे थे, और उनकी जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी जो मालिनी थी, उनको एक बच्चे के समान खाना खिलाती थी वात्सल्य प्रेम में। श्रीवास पंडित का नित्यानंद प्रभु में कितनी आसक्ति, इसको देख के महाप्रभु से बोलते हैं कि तुमको नित्यानंद प्रभु के साथ ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। महाप्रभु टेस्ट करने के लिए श्रीवास पंडित, तुमको नित्यानंद प्रभु तुम्हारे यहाँ रहते, तुमको उसके ज्यादा संग नहीं करना चाहिए, तुमको उनके कैरेक्टर उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है क्या नित्यानंद प्रभु के बारे में, श्रीवास पंडित से बोलते हैं महाप्रभु। श्रीवास पंडित इसके उत्तर में कहते हैं, मैं तो यही जानता हूं कि नित्यानंद प्रभु आपका ही दूसरा शरीर है, आपके शरीर में और नित्यानंद प्रभु के शरीर में कोई अंतर नहीं है, और हमने वात्सल्य रस में जब नित्यानंद प्रभु की वात्सल्य रस में इस प्रकार की सेवा की तो हमने देखा कि आप में आपकी सर्विस सेवा करने में और नित्यानंद प्रभु की सेवा करने में कोई अंतर नहीं है। मैं आपका भक्त हूं और मैं जानता हूं कि जो भी आपकी सेवा से आसक्त है, जो भी आपकी सेवा से आसक्त है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आपकी सेवा से आसक्त है, तो वही मेरे लिए भगवान है जो आपकी सेवा से आसक्त है। और श्रीवास पंडित बोलते हैं कि भगवान इस प्रकार से मुझे मेरा परीक्षा मत लीजिए, इस प्रकार से मुझे बता के कि नित्यानंद प्रभु का तुम्हें परिवार और चरित्र के बारे में पता है क्या, इस प्रकार से मेरी परीक्षा मत लीजिए। आपने तुलिया हाथे भात नहीं खाए पुत्र प्राय करी अन्य मालिनी जो गाए। वो अपने हाथ से ही, नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से ही भात नहीं खाते, सो इसलिए मालिनी जो है मेरी पत्नी उनको बच्चों के समान खिलाती। नित्यानंद अनुभव जाने पति व्रतानी आनंद सेवा करे जेने पुत्र माता। जो पतिव्रता मालिनी है वो नित्यानंद प्रभु की महिमा को पूरी तरह जानती है, इसलिए वो एक माता के समान बच्चे को खिलाती भात। एक दिन प्रभु श्री निवासिर सहित वसिया कहने कथा कृष्ण ने चरित। एक दिन महाप्रभु जो है श्रीवास पंडित के साथ बैठे हुए कृष्ण कथा के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, डिस्कस कर रहे। पंडित तेरे परीक्षा है प्रभु विशंभर अवधूते कहने राखा निरंतर। फिर से श्रीवास पंडित की परीक्षा लेने के लिए एक दिन महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास पंडित से, ये तुम जो अवधूत है, ये अवधूत नित्यानंद इसको अपने घर में इतने दिन क्यों रख रहे, फिर परीक्षा लेने के लिए। तो अवधूत कौन होता है? अवधूत वो व्यक्ति रहता है, वल्लभाचार्य इसकी परिभाषा बताते हैं कि जो जिसको बॉडीली अर्ज, बॉडी की जो डिमांड है, शरीर की डिमांड है, उसके बारे में पता नहीं था कब भूख लग रही कब प्यास लग रही कब खा रहे उनको पता नहीं लगता है। और जो एक
जीवित रहते हुए एक निर्जीव जैसा लगता है। इस प्रकार से अवधूत की एक और परिभाषा है कि जो पूरे इस भौतिक संसार से कंप्लीटली पूरी तरह से विरक्त रहता है। कौन जाति कौन कुल किछु इना जानी परम उदार तुमी बलिला मामी। महाप्रभु श्रीवास पंडित से बोलते हैं, मेरे को पता है कि तुम बहुत उदार हो, पर हम तो उसको जानते नहीं उनकी जाति क्या है इस अवधूत की और किस कुल से ये है। आप ना रहे जाति कुल यदि रक्षा चाहो तबे झट यही अवधूते रह गुछाओ। अगर आप अपने वंश को और परिवार को रक्षा करना चाहते हो तो इसको अवधूत से पीछा छुड़ाओ, जल्दी से अवधूत से पीछा छुड़ाओ। महाप्रभु बोल रहे हैं किसको, शिवास पंडित को बोल रहे हैं, क्योंकि अवधूत मतलब वो नित्यानंद प्रभु शिवास पंडित के घर में रह रहे। ईसत हसिया बोले श्रीवास पंडित हमारे परीक्षा प्रभु एना है उचित। शिवास पंडित ने मुस्कुरा दिए महाप्रभु के भाषण के, बोलते हैं हे भगवान आपके लिए उचित नहीं कि मेरी बार बार परीक्षा ले आओ। दीने के ये तो वहां भजे सही मोर प्राण नित्यानंद तोरा देहा मोहे मोहा ते परमान। शिवास पंडित बोलते हैं उनकी परीक्षा ले रहे थे महाप्रभु। शिवास पंडित बोलते हैं अगर आपकी कोई एक दिन भी सेवा कर लेता है तो मेरा मेरे लिए प्राण और आत्मा है। नित्यानंद प्रभु तो आपका ही शरीर है और मैंने स्वयं देखा है कि वो किस तरह आपकी सेवा करते हैं। मदिरा जयमंती यदि नित्यानंद धरे जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे तथापि मोहर चित्त नहीं बे अन्यथा सत्य सत्य तुम्हारे कहुल इनकी एक कथा। अगर मैं नित्यानंद प्रभु को हाथ में मदिरा का घड़ा लेके भी देखूं, स्त्रियों का संग करते भी देखूं, और अगर वो मेरे जाति को भी नाश कर दें, मेरे प्राण भी ले लें, मेरा धन भी ले लें, फिर भी मेरा फेथ उनके ऊपर, मेरा विश्वास उनको, मेरी श्रद्धा उनके ऊपर से नहीं जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कौन बोल रहा है, श्रीवास पंडित जो बोल रहे हैं महाप्रभु को बोल रहे हैं। नित्यानंद के ऊपर उनकी कितनी श्रद्धा है, क्योंकि भगवान बार बार टेस्ट ले रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास पंडित का परीक्षा ले रहे। आगे कहते हैं ये तक सुनीला यदि श्रीवास न मुखे हुंकार करिया प्रभु उठे तार मुखे। जैसे महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के मुख से ये सब सुना, इमीडिएटली खड़े हुए, तुरंत खड़े हो गए महाप्रभु और जोर जोर से गर्जना करने लगे और श्रीवास पंडित को अपने गले से लगा लिया। प्रभु बोले की बोलीला पंडित श्रीवास नित्यानंद प्रति तोर एता ही विश्वास। और पंडित श्रीवास क्या तुमने क्या बोल दिया, तुम्हारा नित्यानंद प्रभु के ऊपर इतना श्रद्धा है। मोरे गोपिया नित्यानंद जानीला से तुम्ही तुम्हारे संतुष्ट हाई वर दिए आमी। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे तथापि दरिद्र तोर नहीं बेका घरे। विदाल कुकुर आदि तुम्हारे बदेरा सबारे आमाते भक्ति है बेका स्थिर। आपने मेरे गोपनीय मेरे गुप्त पार्षद नित्यानंद को समझ लिया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बोले तो आपने मेरे गोपनीय पार्षद अंतरंग पार्षद नित्यानंद को आपने समझ लिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं और आप कुछ जो भी मेरे से वर मांगना वर मांगी। अगर लक्ष्मी जी भी घर घर भिक्षा मांगने लग जाए, लक्ष्मी जी धन की लक्ष्मी, अगर वो भी घर घर भिक्षा मांगने लग जाए तो भी आप कभी भी गरीबी से प्रभावित नहीं हो। चाहे लक्ष्मी जी भिक्षा मांगे घर घर जाकर, लेकिन आप कभी गरीबी से प्रभावित नहीं। लक्ष्मी जी चाहे गरीबी से प्रभावित हो जाए, हालांकि लक्ष्मी जी कभी गरीबी से प्रभावित हो नहीं सकती, कभी गरीब हो नहीं सकते, लेकिन महाप्रभु शिवास पंडित को इस तरह से बोल रहे हैं,
लक्ष्मी जी भी घर घर भिक्षा मांगने लग जाए तो भी आप नहीं गए, कभी भी गरीब नहीं होंगे। आपके घर में हर कोई, आपके घर के कुकुर और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली, उनकी भी मेरे प्रति भक्ति है, उनकी भी मेरे प्रति श्रद्धा है, और उनकी भी श्रद्धा बनी रहेगी। आपके घर के कुत्ते और बिल्ली की भी मेरे प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं तात्पर्य में, नित्यानंद प्रभु जो है पूरी तरीके से गौर सुंदर के प्रोटेक्शन में, उनके आश्रय में है, और श्रीवास पंडित ये जानते हैं, ये सुन के गौर सुंदर बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत संतुष्टि हुई, और ये बोलते हैं कि जो लक्ष्मी देवी जो है, जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, सौभाग्य की देवी है, जो नारायण के हृदय के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर निवास करती है, उन भगवान के ऊपर जिनके पास 6 ऐश्वर्य है, अगर वो उसकी भी ऐश्वर्य चला जाए, वो एक बार भिखारी बन सकती है, लेकिन श्रीवास पंडित कभी भी दरिद्र नहीं होगा, उसके कभी दरिद्रता नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित के आंगन में हर रात कीर्तन चलता था, और सबको भोजन और सबको, उनके यहाँ कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं रहती, हमेशा कीर्तन चलता रहता था। उनके महाप्रभु रात भर कीर्तन करते सारे भक्तों के साथ में। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, वैष्णव रह यदि हई तम कुकुरे एंथो दिया तारायण तेना वैष्णव है ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अगर मैं वैष्णव के घर में कुकुर बन जाऊं, डॉग बन जाऊं, तो मैं उनका खा के मैं भी, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, उनका बचा हुआ खा के मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे वैष्णव क्या, नित्यानंद समर पी ले नाऊ, नित्यानंद समर पी लूनामी तोमा स्थाने सर्वे मते समर्वण करी बापने। यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं, मैं नित्यानंद प्रभु को आपको दे देता, आपको ऑफर करता, फ्यूचर में भी भविष्य में भी आप नित्यानंद प्रभु का टेक केयर करना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो ऑलरेडी श्रीवास पंडित के घर में रह रहे हैं और उनको बच्चों जैसा खाना खिला रहे। श्रीवास से वर दिया प्रभु गेला घरे नित्यानंद भ्रमे सब नदिया नगरे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को वर दे के, वरदान दे के महाप्रभु अपने घर चले गए, और नित्यानंद प्रभु पूरे नदिया नगर में, घर घर में घूमते रहे। इस प्रकार के शने के गंगा रे माझे एदने संता महाश्रोले लई जाए संतोषे अपार। कई बार नित्यानंद प्रभु जाते घूमते भी, तो गंगा में स्नान करते, तैरते थे गंगा में जाके, स्विमिंग करते थे, कई बार गंगा की धारा में ऐसे हाथ पकड़ के बिना सांस लिए बहते रहे। अवधूत है, बालक सवार संगे क्षणे क्रीड़ा करे क्षणे जाए गंगा दास मुरारी घरे। कई बार वो बच्चों के साथ खेलते थे, कई बार वो जो टीचर थे वहां के, नवदीप के टीचर गंगा दास जिन्होंने महाप्रभु को भी पढ़ाया था, उनके घर चले जाते, कई बार मुरारी गुप्त के घर चले जाते। प्रभु बारीटे क्षणे का जायने दहे बड़ स्नेह करे ए ताहा ने देखिया। कई बार वो महाप्रभु के घर में घुस जाते थे, जहाँ पे माता सची जो है उनको अपना दूसरा पुत्र मान के उनके ऊपर प्रेम की वर्षा करती थी। इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु भी अलग अलग प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। महाप्रभु वो भी नवदीप में आ गए थे, नवदीप में अभी अभी महाप्रभु का लीला का पूर्ण प्रकाश हो रहा था। ये समय आ गया था जब महाप्रभु की सारी लीलाओं का प्रकाश हो। उनके साथ में नित्यानंद प्रभु भी आ गए थे, अद्वैत आचार्य भी आ गए थे, शिवास पंडित तो थे ही से पहले से, इस प्रकार और पुंडरीक विद्यानिधि भी आ गए थे। इस प्रकार से भगवान के पार्षद एक 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 करके सबके सब अलग अलग ले जन्म हुआ, अलग अलग जगह प्रकट हुए, लेकिन सब आके अभी धीरे धीरे, क्योंकि महाप्रभु की प्रकाश, महाप्रभु की लीला का प्रकाश और सबको बताने का समय आ गया था, इसलिए सारे भक्त जो भी जो जहां जाते वहां से इकट्ठे हो गए, और इस प्रकार से सब लोग संकीर्तन करते थे, और धीरे 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 महाप्रभु की और भी लीलाएं प्रकाशित होंगी,
नवदीप वासियों को और भी ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन की लीला प्रकट करके अब बाकी पब्लिक को अपनी कृष्ण से संबंधित लीला बताने के लिए सब भक्तों के साथ में वो अलग अलग अपने कार्य प्रदर्शित कर रहे थे, लीलाएं प्रदर्शित कर रहे थे। इस तरीके से और भी लीलाएं हैं जो हम भगवान के महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की और भी लीलाएं हैं, वो हम आगे श्रवण करते रहेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।